डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आज हम पढ़ेंगे ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या है? इस डायग्राम में देखिए आप, ये है आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये सारी चीजें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, फोटोन एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में जाएगा और फोटोन वापस इमिट करके वापस वैलेंस बैंड में आता है। फोटोन एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन कहां था, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन गया जंप किया कंडक्शन बैंड में और वही फोटोन को इलेक्ट्रॉन जो है वापस इमिट करके वापस वैलेंस बैंड में आता है। और अगर ये इमिशन ऑफ फोटोन जो है विजिबल रीजन में है तो हमें लाइट दिखाई देगी, उसे हम कहेंगे ल्यूमिनेसेंस। इसे डिटेल से पढ़ते हैं। एन इंसिडेंट फोटोन मे रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सच एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स बैक इनटू द वैलेंस बैंड। दिस वुड इमिट ए फोटोन ऑफ सेम एनर्जी एज द वन यूज्ड इन एक्साइटिंग इट। When the transition is in the visible region, it is termed as luminescence. If emission takes place instantaneously on absorption, it is fluorescence. If there is a time lag between absorption and emission, it is termed as phosphorescence. देखिए, फोटोन एब्जॉर्ब किया सॉलिड ने और इलेक्ट्रॉन कहां गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, और फिर फोटोन वापस इमिट किया और इलेक्ट्रॉन अपना वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आया। अगर यह फोटोन किस रीजन में है, विजिबल रीजन में, तो हमें लाइट दिखाई देगी, इसको इसे हमने कहा ल्यूमिनेसेंस। एब्जॉर्ब होते ही तुरंत इमिट हो जाए, लाइट एब्जॉर्ब होते ही लाइट इमिट हो जाए तो उसे हम कहेंगे फ्लोरोसेंस, और लाइट इमिट और एब्जॉर्प्शन में कुछ टाइम है तो उसे हम कहेंगे फॉस्फोरेंस। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन एफिशिएंसी। कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, कितने फोटोन इमिट किए, अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए। नेक्स्ट है, इसे हम समझते हैं, जैसे ये एच का मतलब ये होस्ट क्रिस्टल है हमारे पास, इसमें डोप्ड किया हमने, डोपिंग की इंप्यूरिटी मिक्स की, एड की इंप्यूरिटी ए, इसे हम कहेंगे एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है आपकी इंप्यूरिटी है, एक्टिवेटर आपका फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेशन होगा, और फोटोन जब इमिट करेगा तो क्या होगा, इमिशन होगा लाइट का और ल्यूमिनेसेंस, ये जो क्रिस्टल है ल्यूमिनेसेंस शो करेगा। सिंपल है, होस्ट क्रिस्टल में हमने डोप किया एक्टिवेटर को, तो एक्टिवेटर ने क्या किया, फोटोन एब्जॉर्ब किया और वैलेंस बैंड से कहां गया आपका, देखिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कहां गया वापस, इलेक्ट्रॉन कहां आया, जब वैलेंस बैंड में आया तो लाइट इमिट की, फोटोन इमिट किया और ल्यूमिनेसेंस शो किया। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल इन द ल्यूमिनेसेंस प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटर डॉप्ड इन होस्ट लैटिस। ये जो एक्टिवेटर है इसको डॉपिंग की गई, इंप्यूरिटी मिक्स की गई, ऐड किया गया। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होता है, एक्टिवेटर जो है आपका पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उस केस में हमें एक और कुछ और इंप्यूरिटी मिक्स करनी पड़ेगी, उसे हम कहेंगे सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर क्या करेगा, फोटोन
एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर इस सेंसिटाइजर ने अपनी एनर्जी ए को एक्टिवेटर को ट्रांसफर की। एक्टिवेटर को ट्रांसफर करने के बाद एक्टिवेटर कहाँ गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, कंडक्शन बैंड से वापस जब वैलेंस बैंड में आए तो इमिशन करेंगे। मीन्स इसमें क्या है, एक्टिवेटर डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसके लिए उसे सेंसिटाइजर की जरूरत पड़ती है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल इन ल्यूमिनेसेंस प्रोसेस ऑफ ए सेंसिटाइजर एंड इट्स रिलेशनशिप टू एन एक्टिवेटर एंड होस्ट लैटिस। एन एक्टिवेटर विद द डिजायर्ड इमिशन डज नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन फॉर द अवेलेबल एक्साइटेशन एनर्जी। यहाँ पे जो एक्टिवेटर है पर्टिकुलर इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो यहाँ इसको जरूरत पड़ेगी सेंसिटाइजर की। सेंसिटाइजर ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में जाके इसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर की ए को, और फिर एने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ गया इसका, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड से जब वापस वैलेंस बैंड में आया तो एनर्जी फोटोन लाइट इमिट की और ल्यूमिनेसेंस शो किया। नेक्स्ट है आपका, दिस इंट्रोडक्शन टू ल्यूमिनेसेंस विल ट्रीट द क्लास ऑफ मटेरियल विच इमिट कैरेक्टरिस्टिक ल्यूमिनेसेंस। दीज मटेरियल्स और फॉस्फोर्स कंसिस्ट ऑफ ए होस्ट मटेरियल विच कॉन्स्टिट्यूंट्स द बल्क ऑफ फॉस्फोर। द कैरेक्टरिस्टिक ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेंड बाई एडिंग डोपिंग टू द होस्ट मटेरियल relatively small amount of 4A9. This impurity can be excited to show luminescence is called activator. When the activator is such that it cannot absorb the excitation, another impurity in the form of sensitizer is added. The sensitizer absorbs the excitation energy and transfer some of it to the activator which then can emit. Means आपका activator host crystal में doping की impurity की, जिसे हमने कहा activator photon absorb करेगा और valence band से conduction band में जाएगा, conduction band से वापस जब electron इसका वैलेंस बैंड में आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, ल्यूमिनेसेंस शो करेगा। कभी कभी क्या होता है, ये ए जो है एक्टिवेटर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए सेंसिटाइजर हमने इम्प्योरिटी और ऐड की, जिसे हम कहेंगे सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू द एक्टिवेटर, और एक्टिवेटर से फिर वही सेम प्रोसेस होगा और ल्यूमिनेसेंस शो करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिना डोप्ड क्रोमियम 3+। एल्यूमिना में हमने क्रोमियम 3+ ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूबी मानक, और इसमें ट्रांजिशन होगा डीडी ट्रांजिशन। एल्यूमिना में डोप्ड किया सेम टाइटेनियम 3+, तो ये हो जाएगा आपका नीलम ब्लू, जिसे हम कहेंगे नीलम ब्लू। नेक्स्ट है आपका ZnS डोप्ड Mn2+, मैग्नीज आयन है इसमें, ZnS में डोप किए तो हमारे पास ब्राइट ऑरेंज का हमें जो है क्रिस्टल मिलेगा। इसके बाद सेंसिटाइजर और एक्टिवेटर का एग्जांपल है हमारे पास ये कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट। कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट जो है आपका, इसमें एंटीमनी 3+ जो है सेंसिटाइजर है जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और Mn2+ यहाँ पे एक्टिवेटर है।